आईपीएल 2021 का दूसरा फेज शुरू होने में अब बस एक ही महीने का वक्त रह गया है। आईपीएल के बचे हुए मैच 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं और बचे हुए 31 मैच यूएई में ही खेले जाएंगे, जहां आईपीएल 2020 का पूरा सीजन खेला गया था। टीमें यूएई पहुंचना शुरू हो गई हैं। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के ज्यादातर खिलाड़ी यूएई पहुंच चुके हैं। जो खिलाड़ी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी यूएई में ही हैं। इस बीच आईपीएल की पहली चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। पता चला है कि राजस्थान रॉयल्स ने अपने दो खिलाड़ी शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को रिलीज कर दिया है। अब ये दोनों खिलाड़ी मुंबई के लिए खेलेंगे, लेकिन ये टीम आईपीएल वाली टीम नहीं है। तो फिर कौन सी है ये टीम, और फिर क्या ये दोनों आईपीएल में अपनी टीम के लिए वापस खेल पाएंगे? इन सभी बातों की हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, अभी के अभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल मुंबई की टीम को जल्द ही ओमान के दौरे पर जाना है। इस टीम को 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं। इस टीम में शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को भी शामिल किया गया है। इस दौरे पर मुंबई के ज़्यादातर खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने दो खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। इस बारे में बात करते हुए मुंबई के चयनकर्ता सलील अंकोला ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने राजस्थान रॉयल्स से इन दो खिलाड़ियों को रिलीज करने का आग्रह किया था। टीम ने इस पर हामी भर दी है और अब ये खिलाड़ी इस दौरे के बाद ही अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए यूएई जाकर कैंप में शामिल हो पाएंगे। आपको बता दें, अभी तक खेले गए आईपीएल 2021 के मैचों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का सफर कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल 2021 में तो टीम 8वें नंबर पर रही थी। इसी के बाद टीम ने कप्तान स्टीव स्मिथ को न केवल कप्तानी से हटा दिया था बल्कि टीम से भी रिलीज कर दिया था। इसके बाद संजू सैमसन को टीम का नया कप्तान बनाया गया। इस बार भी टीम का प्रदर्शन ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा की जा सके। टीम ने 7 में से केवल 3 ही मैच जीते हैं और उसके पास इस वक्त 6 ही अंक हैं। टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है। आईपीएल 2021 के पहले फेज से पहले टीम के कई विदेशी खिलाड़ी टीम को छोड़ गए थे, इसलिए टीम को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब अगर टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो लगातार अपने मैच जीतने होंगे। ये वही टीम है जो साल 2008 में आईपीएल की पहली चैंपियन बनी थी, लेकिन इसके बाद से अब तक एक भी बार खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है। देखना होगा कि टीम बचे हुए मैचों में किस तरह का प्रदर्शन करती है। खैर, ये तो आईपीएल शुरू होने से पहले पता चल ही जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल वाले बटन को भी दबा दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।